हेलो गाइस, तो आज हम आप वापस आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट में ये वैष्णो देवी यात्रा में। ये देखिए, ये बाण गंगा का पानी है और यहाँ पे फर्स्ट में मुंडन होता है। अभी मैं और दादा साथ में खेल रहे हैं और इसके बाद अभी मेरा मुंडन होने वाला है। ये मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट हेयर चले जाएंगे वापस। तो फ्रेंड्स, आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इसके अंदर यदि आप फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं तो खिंचवा सकते हैं, क्योंकि मेन मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो अपन यहीं पर खिंचवा सकते हैं। और अब देखो, ये तैयारी हो गई है मेरे मुंडन के लिए। ये मुझे, मैं तो कितना मना कर रही हूँ मेरे हेयर नहीं कटवाओ, पर कोई मान ही नहीं रहा है। ये देखो, मैं कितना रो भी रही थी पर कोई नहीं माना, किसी ने मेरे हेयर्स को नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किल से तो इतने बड़े कर पाई थी, वो उसको भी इन लोगों ने कटवा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मुंडन हो गया और हमने आगे की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। और ये देखिए, काफ़ी धूप निकल आई है इसलिए मैंने स्वेटर भी उतार दी है। और तुम्हारे इससे पहुंचने के पहले हम लोग इतना थक गए थे कि फिर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग की, हॉर्स से चढ़ाई की है। चढ़ते चढ़ते हम लोग बहुत थक गए हैं। ये देखिए, बाहर का व्यू कितना प्यारा है ना। और हम अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच गए हैं। टोकन मिलता है इसके लिए, हमारा कल नंबर आया था और इसके कारण हम लोगों ने आगे की चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ये देखिए फ्रेंड्स, अर्धकुमारी के दर्शन हमारे नेक्स्ट डे के थे इसलिए हम लोगों ने आगे की चढ़ाई स्टार्ट कर दी। और हम मेन वैष्णो माता के मंदिर पहुंचने वाले थे, क्योंकि हमें यदि हम और लेट करते तो हमें रात हो जाती, क्योंकि हम लोगों ने पूरी यात्रा जो है पैदल ही की थी। इसके बाद में तो थक गई थी, तो इसलिए हमारे लिए बेबी कार्ट किया गया और उसमें मैंने बैठ के सवारी की। बाकी सब तो पैदल ही आ रहे हैं, सब थक ही गए। देखो मम्मा की हालत कितनी बुरी हो गई है, सब ही थक गए एकदम, डंडे से चढ़ रहे हैं। शाम तक हमारे मंदिर के दर्शन हो गए थे और उसके बाद हमने भैरव बाबा की चढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। वहाँ तो इतनी ठंड बढ़ गई थी फ्रेंड्स, ये देखो मेरी हालत कैसी हो गई है ना, इसलिए मैंने वहाँ का वीडियो किसी का नहीं बनाया है। और हम लोगों ने दर्शन करके ये देखिए वापस आ गए और हम स्टेशन में ये अपने सामान की चेकिंग करवा रहे हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे अमृतसर के लिए, क्योंकि हमारी रिटर्न की जो ट्रेन थी वो हम लोगों की नेक्स्ट डे की थी, हमारे पास पूरा दिन का टाइम था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा पास में ही अमृतसर है तो अपन यहाँ से उधर भी घूम लेते हैं, उसके बाद हम अपने एरिया में वापस निकलेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जय माता दी। आपको हमारी यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।